हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोजर पर। तो सभी को बस अब बेसब्री से इंतजार है तो रिजल्ट के आने का, क्योंकि लगभग हम हमारे पूरे भारत की बात करें तो लगभग हर राज्य में एग्जाम खत्म हो चुके हैं या फिर एग्जाम चल रहे हैं, और कई राज्यों में हमारी कॉपियां जो हैं बोर्ड एग्जाम्स की वो चेक होना स्टार्ट हो चुकी हैं, और लगभग लगभग आप लोगों की डेट भी फिक्स हो चुकी है कि किस डेट तक आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि पिछले 5 सालों में किस स्टेट का किस डेट में रिजल्ट आया है, और फिर किस ईयर कितने परसेंट बच्चे पास, यानी लास्ट 5 ईयर्स के हम देखेंगे कि कितना परसेंटेज रहा है पासिंग का, ठीक है, और कितने बच्चे फेल हुए हैं, ये सब हम पूरा डिस्कस करेंगे। और लगभग हर राज्य की कंफर्म डेट फिक्स बताऊंगा मैं आपको कि इस डेट को आपका रिजल्ट आएगा, पूरा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो कर देना कर तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोसर पर, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट कंपोसर.com के नाम से है, उस पर विजिट करना ना भूलिएगा। वहां पर आपको सारी एनसीईआरटी बुक्स, जो नया पैटर्न आपका लागू हुआ वो देखने को मिलेगा, बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर्स और सॉल्यूशंस, और आपके एनसीईआरटी बुक्स के सारे सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाले, और आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, बोर्ड जल्द से अपडेट रिलेटेड जो भी अपडेट रहती है वो सारी आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पे आप सबसे पहला जो देख पा रहे हैं ये है उत्तराखंड बोर्ड, ठीक है, ये आपका क्या है, यूके बोर्ड है। तो यूके बोर्ड में पिछले 5 सालों में रिजल्ट कब 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 आया है वो डेट आपको यहाँ फिक्स देखने को मिल रही होगी। कौन सा बोर्ड है बच्चों? यूके बोर्ड, ठीक है। अगर हम यूके बोर्ड की बात करें तो 2022 में जो रिजल्ट आया था वो आया था 6 जून को। देखो नॉर्मली जो रिजल्ट आता है आपका मई के महीने में आ जाता, बट ये लेट होने का कारण क्या था आपको पता है? कोरोना की वजह से रिजल्ट काफी लेट आया था, एग्जाम बहुत लेट हुए थे, इस वजह से रिजल्ट भी लेट आया। तो ये नॉर्मल फिक्स डेट नहीं है, 6 जून लास्ट ईयर बहुत लेट सेशन था इसलिए 6 जून को रिजल्ट आया। 2021 की बात करेंगे तो जुलाई में आया रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद 2020 में बात करें तो 29 जुलाई, देख लो ज्यादा अंतर नहीं है आप, 29 और 31 जुलाई। 2019 में बात करें 13 मई, 2018 को देखे 26 मई, 2017 को आया है 29 मई में, 2016 में आया है 25 मई, और 2015 में आया है 26 मई। तो यहाँ पर अगर हम देखें नॉर्मली जो हमारी डेट है रिजल्ट आने की, तो सबसे ज्यादा देखेंगे किस महीने में, मई में। देखो मई अगर हम पिछले टोटल 8 साल की बात करें तो 8 में से 5 बार रिजल्ट आपका मई के महीने में आया है। ये इन दो को आप भूल जाओ, क्योंकि ये जो रिजल्ट है कोरोना काल का है, ये तीनों ही कोरोना काल के। तो जो नॉर्मल जो आपका रिजल्ट आने वाला है बच्चों, इनमें से किसी एक डेट को आएगा। और अगर मैं इनमें से भी किसी एक डेट की बात करूँ तो 25 मई आपकी फिक्स डेट हो चुकी है, यानी आपके लगभग 23 से 28 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट, यहाँ से आपको क्लियर पता चल रहा है कि इस डेट के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। भले ही कोई भी कुछ भी कहता रहे, बट आप लोगों ने बस इतने इन 4-5 दिनों में अपना जो भी एक्साइटमेंट है, परेशान होना है, वो इन दिनों में होना, बाकी दिन आप लोग रिलैक्स रहेंगे। अब करते हैं बच्चों हमारे जो यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड की अगर हम बात करें पिछले 5 सालों में रिजल्ट, 5 या 6 सालों में कब कब रिजल्ट आया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहला आपका हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, 2016 से। यूपी बोर्ड रिजल्ट अनाउंस डेट है 2016 में, देखो 15 मई, ठीक है, ये भी यानी आपका आपके किस महीने में, मई में आया है। नेक्स्ट चलते हैं आपके यहाँ पे, देखो 2016 के बाद 2017 में आया है 9 जून, ठीक है, मई, और उसके बाद फिर जून, फिर 2018 में आया है 29 अप्रैल को, यहाँ पे आप अलग अलग महीने में देख पा रहे हैं, फिर 2019 में आया है 27 अप्रैल को। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद 2020 की बात करें तो 27 जून, फिर देखें आपका अगला 2021 में 31 जुलाई, और फिर देखें आपका 2022 में आया है आपका 18 जून को। और ये टोटल आपने देख लिया कि पिछले 5 से 6 सालों में किस किस डेट में आपका रिजल्ट आया है, और इस बार किस डेट में, किस मंथ में और किस हफ्ते में आप लोगों का रिजल्ट आएगा वो फाइनल मैं आपको भी लास्ट में बता दूंगा। तो चाहे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। नेक्स्ट अब देखते हैं कि किस साल, ये पहले आपका उत्तराखंड बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड की क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का है ये, और पासिंग परसेंटेज है ये, क्लास 10th का पासिंग परसेंटेज है। अगर हम देखें 2022 में, यानी अगर हम पिछले ही साल की बात करें, तो पिछले साल लगभग यहाँ पे कितने लोगों ने, 1,29,785 बच्चों ने पेपर दिया, जिसमें से जो लड़कियों के पास होने का परसेंटेज है वो है 84%, और लड़कों की बात करें तो 71.12%, यानी एवरेज जो परसेंटेज रही वो रही कितनी, 77.74%। यानी अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो 100 बच्चों ने अगर पेपर दिया है तो 100 में से 77 बच्चे क्या हुए हैं, पास हुए हैं, और फेल कितना हुए हैं, यहाँ पे आपका कितना बचेगा बच्चों, देखो टोटल 23, 100 में से मान के चलो 23 बच्चे फेल हुए हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि लास्ट ईयर थोड़ी सी जो मार्किंग थी वो हार्ड मार्किंग हुई है।
फिर उसके बाद आगे देखें तो आगे आप देखेंगे 2021 में लगभग 1,47,000 लोगों ने पेपर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्मली कि 2022 में जो क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी जनसंख्या, उनकी संख्या क्या हुई है, बहुत कम हुई है। नॉर्मली आप देखेंगे 1,47, 1,47, 1,49, 1,46, 1,50, 1,78, 1,69, तो यहाँ पर आप देखेंगे सीधा सीधा कितना कम से कम 17 से 20 हजार बच्चे कम हुए हैं क्लास 10th में। कारण इसका आप सभी को पता है, कोरोना की वजह से कई बच्चों ने पेपर दिए नहीं है, कई ने तैयारी ही नहीं की थी। तो ये आप देख रहे हैं टोटल परसेंटेज, आप पिछले देख रहे हैं हर साल का, 2022 में 77%, 2021 में 99%। कारण आप सभी को पता है, कोरोना की वजह से सभी बच्चों को पास किया गया था, ठीक है। और उसके बाद 2020 में 76, फिर 76, 74, 73, 73, 70, 67, 71, ठीक है। और ये 2014 में सबसे जो परसेंटेज था बहुत ही हार्ड मार्किंग हुई थी 2014 में क्लास 10th का। तो ये इसी अकॉर्डिंग इस बार आप लोगों का जो रिजल्ट रहने वाला है वो लगभग आपका 75 से 82 के बीच में रहेगा, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हो 100 में से 75 बच्चे ही पास होंगे। अब ऐसे ही कंपेयर करते हैं हम क्लास 12th के बच्चों का, क्लास 12th ये भी यूके बोर्ड है, यूके बोर्ड में अगर हम देखें क्लास 12th का 2022 में परसेंटेज रहा है 82.63, 2021 में रहा है 76.68, और उसके बाद आगे आगे देखें 2020 में 76, फिर 2019 में 80, 2018 में 78, और 2017 में 78, और 2016 में 78। नॉर्मली जो आपका रिजल्ट रहा है वो 78 ही रहा है। इस बार भी लगभग चांस है 78 से 80 के बीच में आपका रिजल्ट रहने वाला है क्लास 12th का, ठीक है। पासिंग परसेंट यानी मान के चलो 100 में से आपके 20 बच्चे फेल होने ही होने हैं। अगला है ये जो आप देख रहे हैं, यह है बच्चों आपका यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड इसमें ये जो है ये क्लास 12th वालों का है, ठीक है, यूपी बोर्ड क्लास 12th। और यहाँ पे अगर हम पासिंग परसेंट देखेंगे, और ये जो है आपका बच्चों क्लास कौन सी, क्लास 12th के लिए है। क्लास 12th की अगर हम बात करें तो 2022 में जो आप देख रहे हैं 2022 में रिजल्ट रहा है वो कितना, 88.18%, 2021 में 99। यहाँ देखो ये आपका अगर हम कंपेयर करें उत्तराखंड बोर्ड और यूपी बोर्ड के क्लास 12th वालों बच्चों को, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2021 में 76.68% रहा है, और वहीं अगर हम इधर बात करें तो 99.53। तो थोड़ा सा यहाँ पे भेदभाव जरूर हुआ है कोरोना टाइम में भी बच्चों के साथ। तो 2022 में 88, 2021 में 99, 2020 में 83, फिर 80, फिर 75, 81, 87, 89, यानी एवरेज जो आप लोगों का रहेगा रिजल्ट वो लोगों 85%, यानी 100 में से आपके 15 बच्चे फेल होने ही होने हैं। तो ये यूपी बोर्ड क्लास 12th का हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट कब कब आने वाला है। यहाँ पर हम बात करेंगे लगभग 5 से 6 स्टेट्स के रिजल्ट की, कब कब रिजल्ट आप लोगों का कंफर्म डेट की आ जाएगा आप लोगों का रिजल्ट, ठीक है। तो स्क्रीन पर बने रहेंगे आप। सबसे पहले हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इस वर्ष यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा के लिए 16 फरवरी से 3 मार्च तक की तारीख तय की गई थी, जिससे यूपी बोर्ड के नतीजे मई में जारी होने की उम्मीद है, ठीक है। यानी मई अगर आप बात करें रिजल्ट की तो लगभग 15 से यूपी बोर्ड के अगर हम रिजल्ट करें फिक्स डेट, तो फिक्स डेट आपकी 15 से 20 मई, ये आपकी फिक्स डेट है, 15 से 20 मई के बीच में आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपके अब उत्तराखंड बोर्ड की, तो उत्तराखंड बोर्ड की तो ऑलरेडी फिक्स डेट उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा दे दी गई थी, वो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं 25 मई 2023। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं की 2023 की परीक्षा 17 मार्च से 6 अप्रैल 2023 तक आयोजित होंगी। यूके बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षा 2023 16 मार्च से 6 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यूबीएससी द्वारा 25 मई 2023 को यूके बोर्ड का कक्षा 10 व कक्षा 12 का रिजल्ट जारी होगा। तो यहाँ पे आपने क्लियर डेट देख ली। फिर उसके बाद चलते हैं आपका राजस्थान बोर्ड, राजस्थान बोर्ड में भी यही लिखा है कि मई में जारी होने की संभावना है। और राजस्थान बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान बोर्ड का जो रिजल्ट आएगा 20 से 25 मई के बीच में आएगा, ये आपकी फिक्स डेट है। नेक्स्ट चलते हैं आपके एचबीएससी यानी हरियाणा बोर्ड, हरियाणा बोर्ड की अगर हम बात करें तो हरियाणा बोर्ड भी यहाँ पे कह रहा है रिजल्ट डेट 2023, 2023 यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका 15 से लगभग 22 के बीच में आएगा रिजल्ट, क्योंकि अगर हम पिछले 5 साल यहाँ पे मैं देखो पूरा हर एक राज्य का तो नहीं कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी, तो यहाँ पे अगर मैं पिछले 5 साल का जो मैंने देखा है तो एवरेज जो रहा है बच्चों 15 से 22 तारीख के बीच में रिजल्ट आया है हरियाणा बोर्ड का। तो ये मान के चलो 15 से 22 के बीच में आपका हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पंजाब, ठीक
ठीक है, पंजाब जो बोर्ड है PSEB, इसमें जो आप लोगों का रिजल्ट है, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है, जब नतीजे आने का समय होता है तो कई अटकलें लगाई जाती हैं कि नतीजे इस दिन जारी होंगे या उस दिन जारी होंगे। ऐसे में विद्यार्थी को परेशान ना होना पड़े, इसके लिए जी मीडिया ने PSEB के एक अधिकारी से बात की, जिसने बताया कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षाओं के नतीजे मई में जारी होंगे। ये सबको पता रहता है, बट जो पंजाब के अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें, तो पंजाब का जो रिजल्ट लगभग आने वाला है वो आपका 10 से 20 तारीख के बीच में फिक्स, ठीक है, यानी 10 से 20 तारीख के बीच में, 10 से 20 मई के बीच में आप लोगों का रिजल्ट कंफर्म आ जाएगा। तो लगभग इतने स्टेट हमने देख लिए हैं, बाकी अगर आप किसी और स्टेट से हैं जो मैंने इसमें बताया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उन स्टेट्स की भी मैं आपको एक वीडियो अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप किस स्टेट से देख रहे हैं। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहो, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो आपको अपने बोर्ड एग्जाम से, बोर्ड रिजल्ट से रिलेटेड, या आपको NCERT बुक से रिलेटेड, और मैं आप पूछ सकते हैं। और आपको बच्चों एक चीज बता दूं कि हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है कंबोसर.com के नाम से है, सिंपल आपने क्या करना है, कंबोसर सर्च करना है, और .com जिस पर लगा हुआ होगा, जिस लिंक पर, आपने उस पर क्लिक कर देना। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देखेंगे NCERT बुक्स हमने प्रोवाइड करा दी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लास 9, 10, 11, 12 की NCERT बुक्स है, ओल्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी आपको लगभग बहुत जल्द सभी स्टेट्स के देखने को मिल जाएंगे, पिछले साल कौन सा पेपर आया, कौन टॉपर था, वो सारी कॉपी आपको यहाँ मिलेगी। ब्लॉग वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको आपके बोर्ड रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोर्ड रिजल्ट कैसे देखें, फिर मोबाइल में बोर्ड का रिजल्ट कैसे देखें, फिर UK बोर्ड रिजल्ट, ये आप सब कुछ जाकर के खुद अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं और आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे शायद स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी, तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा होम पेज है। सिंपल आपने क्या करना है, कंबोसर.com लिखना है, यहाँ पर आप NCERT बुक्स देखेंगे, ये लगभग 9, 10, 11, 12 की किताबें हैं, ओल्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर पर यहाँ पर पिछले साल के आपको पेपर मिलेंगे। ब्लॉग वाले ऑप्शन में जाकर के आप देख पा रहे हैं बोर्ड रिजल्ट कैसे देखें, फिर मोबाइल में बोर्ड का रिजल्ट कैसे देखें, फिर UK बोर्ड रिजल्ट, यहाँ पे आप खुद जाकर के पूरा विजिट करिए, और जो जानकारी आपको लेनी होगी वह आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कमेंट सेक्शन, इस कमेंट सेक्शन में आपको जो भी कमेंट देनी होगी, आपने नॉर्मली क्या करना है, अपने कमेंट यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा, और आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और अपने दोस्तों में भी जरूर इस वीडियो को शेयर करिए, बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का जो भी रिजल्ट से रिलेटेड या कुछ भी जानकारी आपको चाहिए होगी वो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। बाकी जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा लाइव, सभी का रिजल्ट चेक होगा, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।